जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स लगाई गई हैं जिसमें पूरा राजस्थानी टच आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं उनके ऑर्गेनाइजर से, उनसे पूछते हैं कि इन पेंटिंग्स में उनके कितने एफर्ट्स लगे हुए हैं। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। नमस्कार सर, सबसे पहले आप ये बताइए, हम आपकी इस स्टॉल पे इतनी सुंदर पेंटिंग्स जो देखने को मिल रही है, इसमें टोटली हमें राजस्थानी और साउथ इंडियन कल्चर देखने को मिल रहा है, तो ये आप बेसिकली आप कहाँ से इतनी सुंदर पेंटिंग्स को लेकर आए हैं? मैडम, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ और मैं राजस्थान से जोधपुर से आया हूँ, और मैं खुद ये राजस्थानी पेंटिंग है और अपना साउथ शैली का है। जैसे जैसे हम स्टॉल लगाते गए, जैसे जैसे हमारा ये खानदानी वर्क है, और हमारे दादा परदादा वो पहले महलों में काम किया करते थे, महलों की दीवारों में काम किया करते थे, काफ़ी शहरों में आज भी पेंटिंग और आज भी सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो कभी कोई ऐसा रिटच करना पड़ता है तो वो हमें ही बुलाते हैं, तो वही हमारा खानदानी वर्क है, खानदानी काम है और वही हम ये कर रहे हैं। और बाकी ये सारी शैली आप देख रहे हैं, सब जैसे जैसे कस्टमर डिमांड करता है, जो जो सब्जेक्ट हमें देता है उस तरीके से हम बनाते गए, और आगे से आगे ये हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है, पूरा स्टॉल तैयार हुआ है। ये पेंटिंग्स हैंडमेड है? बिल्कुल हैंडमेड है, हम पूरा फैमिली मेंबर है और हम पूरा परिवार के साथ में ये काम कर रहे हैं, और राजस्थान के जोधपुर शहर में हमारा पूरा परिवार है, भतीजे भांजे ब्रदर्स फैमिली के सारे लगभग मेंबर हमारे 18 मेंबर है, सब काम कर रहे हैं। तो अपने घर को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए आप डेफिनेटली इस स्टॉल पे एक बार ज़रूर विजिट करें। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।